सिटी में ठंड पूरे शबाब पर है। पारा हर दिन कम होते जा रहा है। हाड़ कपकपा देने वाली इस ठंड से जनजीवन पर खासा असर पड़ रहा है। लोगों की दिनचर्या बदल गई है। इस बीच ठंड की वजह से सिटी में अलग अलग स्थानों में 5 लोगों की मौत हो गई है। बढ़ती ठंड अब लोगों को परेशान करने लगी है। हालत यह है कि गर्म कपड़े भी काम नहीं आ रहे हैं। लोग अलाव जलाकर ठंड से बचने का प्रयास कर रहे हैं। सुबह और रात के वक्त अनेक इलाकों में कोहरे जैसी स्थिति बन रही है। कड़कड़ाती ठंड ने लोगों की दिनचर्या ही बदल कर रख दी है। सबसे अधिक दिक्कतें सुबह के वक्त स्कूल जाने वाले बच्चों को हो रही है। वहीं कामकाजी लोग भी ठंड से कांपने लगे हैं। मौसम विभाग ने संभावना व्यक्त की है कि अगले कुछ दिनों तक जिले में इसी तरह ठंड का असर बना रहेगा। मोहम्मद अली पेट्रोलियम चारीकडे रॉयल वेडिंग लॉन आहे, त्या लॉनच्या बाहेर रोडवरती एक ट्रक उभा केलेला होता। त्या ट्रकमध्ये एक मयत झाला असल्याची माहिती मिळाली। त्यावरून पोलीस स्टाफसह आम्ही त्या ठिकाणी पोचलो, रवाना झालो। त्यानं खात्री केली वाहनामध्ये जो मयत झाला होता त्याचं नाव अशोक उर्फ दादाराव गोपालराव सोनटक्के राहणार हरीश बोरकर यांच्या घरी किरायाने गणेशपेठ फोल्डेशनच्या हद्दीमध्ये राहत होता। तर तो जो नमूद ट्रक आहे ज्या ट्रकमध्ये तो मरण पावला होता, त्या ट्रकवरती ट्रक चालक म्हणून मागील 2 महिन्यापासून काम करत होता। ट्रकचे जे मालक आहेत त्यांचं नाव अमर नंदूजी कनोजी आहेत। ते लोकलमध्ये ट्रकचे वाहतूकने किरायाने चालवतात। तर त्या दिवशी त्यांनी चालकाला त्यांचा ट्रक घेऊन रात्री रॉयल वेडिंगच्या तिथून काही साहित्य किरायाने इतर ठिकाणी घेऊन जाण्यासाठी पाठवलं होतं। तर रात्री त्या ठिकाणी चालकाने गाडी बाहेर लावून रोडवरती झोपला होता। तर सकाळी रॉयल वेडिंगचे लोक त्याला उठवण्यासाठी गेल्याचं तो मृत असल्याचं त्यांच्या लक्षात आलं। त्याच्यानंतर आम्ही खात्री केली तर तो मयत झाला होता, त्याला हॉस्पिटलला मेडिकलला पाठवलं, त्याच्यानंतर त्याला मृत घोषित करण्यात आलं। कॅमेरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पानसी, BCN News नागपूर।